पाकिस्तान में 3 अप्रैल का दिन सियासी ड्रामे से भरा रहा। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री इमरान खान ने ये कहा भी था कि पाकिस्तान की जनता को सरप्राइज मिलने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कहां तो पाकिस्तान का समूचा विपक्ष बिसात बिछाए बैठा था कि इमरान खान को एक ही चाल में शह और मात देकर सत्ता से बेदखल कर देंगे, और कहां कुछ ही पलों में दांव उल्टा पड़ा और विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तानी संसद में 3 अप्रैल रविवार को इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी। ये तय था कि वोटिंग हुई तो इमरान खान सरकार से बाहर हो जाएंगे और विपक्ष अपना प्रधानमंत्री चुन लेगा। हुआ ये कि डिप्टी स्पीकर ने आते ही एक सांस में लिखी लिखाई लाइन जैसे पढ़ दी हो और मोशन को रद्द कर दिया, और इसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संसद को ही भंग कर दिया। और यकीन मानिए कि ये सब इतनी तेजी से हुआ कि सब के एक दूसरे का मुंह ही देखते रह गए, और ऐसा लगा कि विपक्ष इमरान खान की पिच पर खेल रहा है। विपक्ष ने इसके बाद संसद में धरना दिया और उसने अपना वकील सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचाया। विपक्ष ने वोटिंग करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को पहले तो नमाज के कारण सुनवाई में देरी की और बाद में सुनवाई ही टाल दी। इस बीच इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ ने ट्वीट किया कि संविधान के आर्टिकल 69 के मुताबिक संसदीय कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता है। ऐसे में पाकिस्तान में आम चुनाव की घोषणा हो गई है। अब पाकिस्तान में स्थिति ऐसी ही लग रही है कि देश में फिर से संसदीय चुनाव होने वाले हैं, और ये चुनाव अगले 3 महीने के अंदर करवाए जाएंगे। अब हम आपको ये बताते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तानी कानून क्या कहते हैं, विपक्ष ने कैसे रिएक्ट किया और इमरान खान ने कैसे ये सारी चालें चली। पहले बात इमरान खान की चालों की करते हैं। इमरान खान के खिलाफ मार्च महीने की शुरुआत में समूचे विपक्ष ने इकट्ठा होकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी। विपक्ष ने शहबाज शरीफ को अगला प्रधानमंत्री बनाने की बात भी कही। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और बाद में संसद में इस पर वोटिंग टल गई। इस बीच इमरान खान का साथ एक एक कर उनके सहयोगी संगठन और पार्टी के सांसद छोड़ते गए। इमरान खान की सरकार अल्पमत में आ गई और ये तय हो गया कि इमरान खान अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इमरान खान ने फिर से अपनी तैयारी शुरू कर दी। इमरान खान ने एक के बाद एक कई बड़ी रैली की, जिसमें इस्लामाबाद की रैली भी शामिल है, जहां पर उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी। इमरान खान के 7 कदमों की भी चर्चा हो रही है। ये 7 कदम क्या थे, हम आपको बताते हैं। पहला, कि स्पीकर की मदद से कई बार अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और वोटिंग टलवाई। दूसरा, इस्लामाबाद में रैली कर अपनी पॉपुलैरिटी दिखाई। तीसरा, पाक सेना प्रमुख से भी मिलने गए थे इमरान खान। चौथा, ये कि राष्ट्र के नाम जो 2 बार उन्होंने संबोधन दिया उसमें वो इमोशनल हुए। पांचवा, अमेरिका और विपक्ष पर साजिश रचने का आरोप लगाया। छठा, युवाओं को प्रदर्शन के लिए उकसाया। सातवा, विपक्षी नेताओं पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की भी धमकी दी। इसी दौरान इमरान खान ने अपने सहयोगियों को साधने के लिए पाकिस्तान की तरफ के पंजाब के मुख्यमंत्री को भी बदल दिया। यानी कि जहां ये लग रहा था कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार जाने वाली है, वहीं हुआ कुछ ऐसा कि एक एक कर इमरान खान ने अपनी चालें चली और बाद में सारा खेल ही पलट दिया। अब आपको बताते हैं कि विपक्ष ने 3 अप्रैल के घटनाक्रम पर कैसे रिएक्ट किया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के उठाए कदमों को गद्दारी करार दिया। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख तो किया, लेकिन इस दौरान बयानबाजियां भी जारी रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान ने जो भी किया है वो संविधान के खिलाफ है, साथ ही स्पीकर ने भी लोकतंत्र के खिलाफ काम किया है। वज़ीर आज़म, स्पीकर, बाकी सब ने देख लिया कि ऑपोजिशन का तादाद मुकम्मल था। हमारे पास अक्सरियत है कि हम वज़ीर आज़म को अदम एतमाद में शिकस्त दिलवाए। आज ये नजर आते हुए आखिरी मौके पे स्पीकर साहब ने गैर आईनी काम किया है, पाकिस्तान का आईन तोड़वाया गया। विपक्ष संसद में धरने पर बैठा, लेकिन संसद में बिजली ही काट दी गई, यानी कि फुल ऑन ड्रामा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी टल गई है। अब बात करते हैं कानूनी दांव पेचों की। 2 आर्टिकल्स की इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ये है आर्टिकल 69 और आर्टिकल 58। ये दोनों क्या कहते हैं, हम आपको बताते हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विपक्ष के जवाब में ट्वीट किया और इस आर्टिकल का जिक्र किया। आर्टिकल 69 कहता है कि पाकिस्तानी संसद में किसी भी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकता।
पाकिस्तानी संविधान के आर्टिकल 58 के मुताबिक जिस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है तो वो राष्ट्रपति को संसद भंग करने की सिफारिश नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। इसके अलावा एक और आर्टिकल का जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसका हवाला देकर संसद के डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को ही रद्द कर दिया था। डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग न कराने के लिए पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव को बगैर वोटिंग के ही खारिज कर दिया। अनुच्छेद 5 में रियासत यानी देश के नाम, वफादारी और संविधान कानून के अनुपालन की बात करता है। अब लब्बो लुआब ये है कि पाकिस्तान में बन गया है अगले संसदीय चुनावों का माहौल और विपक्ष को संसद में मुंह की खानी पड़ी है। इमरान खान की पार्टी ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें इमरान खान मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्शन में लिखा है, विदेशी साजिश का पर्दाफाश कर हराने के बाद इमरान खान। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।